हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करता है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसका कुछ साइज है, हमको यह फाइंड आउट करके बताना है, फाइंड ऑल दी नोड एट ऑड लेवल। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि रूट जो है ना उसको तुम कंसिडर कर लो कि वो लेवल वन पे है, हमको वो सारे नोड को रिटर्न करना है जो कि ऑड लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम अपने इस ट्री को देखें ना, तो अगर लेवल वाइज अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वन जो है ना वो ऑड लेवल पे है, 4, 5, 6 ऑड लेवल पे है। और ऐसे ही अगर टॉप टू डाउन आप देखो तो जितना बड़ा इक्वल वो सारे नोड जो कि ऑड लेवल पे है, हमको वो सारे नोड का एड्रेस एक वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर देना है इस फंक्शन से, बस इतना सा ही टास्क है। ठीक है, और अगर आप देखो तो इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी ने पूछ रखी है ना, तो लेट मी चेक, तो आपको दिख सकती है फ्लिपकार्ट और एकोलाइट जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पहले से पूछ रखी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसका हम कोड देखने जाते हैं कि कैसे हम इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो हमको एक वेक्टर ऑफ नोड स्टार रिटर्न करना है ना, तो हम पहले उसको क्रिएट डिक्लेयर कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, वेक्टर ऑफ नोड स्टार, इसका नाम रख दो आंसर और एक फंक्शन कॉल करो। ठीक है, और रिटर्न हमको यही आंसर रिटर्न करना है। ठीक, फंक्शन कॉल करो सॉल्व नाम का, SOLVE नॉट BE। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर दो, उस चीज का जो रूट नोड है ना उसका एड्रेस पास कर दो। ठीक है, तो आप लिख दो रूट आंसर, और ये कहा है कि आपका जो रूट नोड है ना उसका लेवल कंसिडर करो 1। ठीक है, आइए अब हम कोड करते हैं यहाँ पे, तो void solve। ठीक, ओके ना, तो अगर हाँ, तो इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास किए, एक नोड स्टार रूट, एक वेक्टर ऑफ नोड स्टार एड्रेस ऑफ आंसर, और एक लेवल पास किए। ठीक है, लेवल, तो आइए इस रिकर्सिव फंक्शन को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका बेस केस लिखेंगे कि अगर रूट नल है ना तब आप रिटर्न हो जाओ, तब कुछ करना ही नहीं है हमको। ठीक है, यही हमारा है बेस केस। एल्स पार्ट में आप क्या करो, अब सॉल्व फंक्शन को कॉल करो रूट के लेफ्ट सब ट्री के लिए। ठीक है, आंसर पास करो और लेवल +1 पास कर दो, ताकि वो जब भी नया लेवल के लिए कॉल करे ना तो उसका लेवल का वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, और अब यहाँ पे कंडीशन चेक करो कि यदि अगर लेवल मॉड्यूलो 2 कभी भी 0 के इक्वल ना हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये ऑड लेवल है। ठीक है, उस केस में आप क्या करो, आंसर डॉट पुशबैक क्या डालना है हमको, हमको वो नोड का एड्रेस डालना है ना, तो हम रूट पास कर देंगे। ठीक है, और यही चीज़ हम फिर राइट सबट्री के लिए कॉल करेंगे, तो रूट का राइट। ठीक है, और आंसर और लेवल जो रेक, एज सिंपल एज डैट, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करके चेक करते हैं, बहुत प्यारा सा कोड था इसका। ठीक है, अगर आपको लेवल वाइज ट्री को ट्रैवर्स करने आता है ना तो आपके लिए क्वेश्चन कपकेक था। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पे, तो ये कोड अच्छे से वर्क कर गया। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारा टेस्ट केस पे ये कोड अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2010 टेस्ट केस है इन टोटल। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, हर एक कॉर्नर केस, एज केस, हर चीज़ को ये कवर कर लिया खुद में, और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है भी। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें और वेरिएशन हो सकता था कि आपको वो सारे नोट बताना है जो कि इवन लेवल पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये वेरिएशन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।